हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। अब मार्केट इस टाइम है अपने 52 वीक हाई यानी कि ऑल टाइम हाई के पास, और ऐसे में टाटा मोटर्स भी अपने 52 वीक हाई के नज़दीक एक नया क्रिएट किया। 586 पे लास्ट क्लोजिंग रही 18.15 रुपये की बढ़त में, 3.5% की तेजी दिखाई थी, और जहां उससे पहले दिन की क्लोजिंग 567 रुपये पे देखने को मिली थी। 5 दिन के अंदर 0.64% की रिटर्न्स बनाकर दिए, 1 महीने में ऑलमोस्ट 13% की तेजी है। 6 महीने की बात करूँ तो 50% से ऊपर के रिटर्न्स जो है टाटा मोटर्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। 1 साल की बात करें तो 40.5% के रिटर्न्स हैं, जबकि 5 साल के अंदर स्टॉक ने 117 यानी कि 117% के रिटर्न बनाकर दिए, और मैक्सिमम रिटर्न्स में देखेंगे तो 1750% के रिटर्न्स हैं। अभी तक की जो मार्केट मूवमेंट रही हैं वो काफ़ी वोलेटाइल रही है। अब यहाँ पे ईवी जो है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो टाटा मोटर्स को पिछले 2 क्वार्टर्स से अच्छे तरीके से बूस्ट करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि लास्ट क्वार्टर यानी कि Q4 की अगर मैं बात करूँ, उस महीने में क्वार्टर के जब रिजल्ट आए थे उस टाइम पे कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1,00,000 करोड़ के ऊपर था, यानी कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद, जिसने कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में 1,00,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया था। और ऐसे में टाटा टेक्नोलॉजीज का जो IPO है उसको भी जो है SEBI की तरफ से अप्रूव कर दिया है। जल्दी ही मार्केट के अंदर हमें टाटा टेक्नोलॉजी का IPO यानी कि जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी ही है वो मार्केट में आता हुआ नजर आने वाला है। अपडेट की बात करें तो देखिए, टाटा मोटर्स आइज स्ट्रेटजीज टेक चिप अलायंस टू ड्राइव JLR। तो टाटा मोटर्स की मेन जो फोकस है वो है अब चिप अलायंसेज पे, ताकि जैगुआर लैंड रोवर ग्रुप को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से टाटा मोटर्स बूस्ट करती हुई नजर आ सके। टाटा मोटर्स वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ओनर ऑफ द ब्रिटिश लग्जरी ऑटोमेकर जैगुआर लैंड रोवर प्लान्स टू लेवरेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेल्स सेमीकंडक्टर चिप्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्राइव ग्रोथ एंड मिटिगेट द सप्लाई चेन रिस्क द कंपनी सेट। तो मेन फोकस है कि यहाँ पे चिप्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे, ईवी व्हीकल्स पे, उन पे फोकस किया जाए, ताकि जैगुआर लैंड रोवर कंपनी जो है अब जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको टाटा मोटर्स ही ऑन करता है। तो ऐसे में पूरे पूरे चांसेस हैं कि टाटा मोटर्स जो है उसको भी ईवी सेगमेंट के अंदर हमें बूस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। सेकेंड बड़े अपडेट की बात करें तो देखिए, चंद्रशेखरन की तरफ से अपडेट है कि टाटा मोटर्स शिफ्टिंग टू ग्रीनर फ्यूचर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यानी कि आने वाले 5 सालों के अंदर टाटा मोटर्स का जो मेन फोकस रहने वाला है वो ग्रीनरी को लेकर रहने वाला है, ताकि आने वाले टाइम में मेन फोकस जो है आपको टाटा मोटर्स की तरफ इन्वेस्टर्स का देखने को मिल जाए। आफ्टर ओवरकमिंग मैनी चैलेंजेस ईयर्स टाटा मोटर्स हैज मूव्ड टू ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इज शिफ्टिंग टू ए ग्रीनर फ्यूचर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, सेड टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन इन द ऑटो कंपनी एनुअल रिपोर्ट। तो मेन फोकस यहाँ पे ग्रीनर फ्यूचर की तरफ रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो CO2 का कम्बस्चन है उसकी कोशिश की जा रही है कि कम से कम किया जाए, और ऐसे में ग्रीनर इफेक्ट जो है हमें इन शेयर प्राइसेस के ऊपर भी उसका इफेक्ट दिखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनीज अडॉप्ट करेंगी ग्रीनरी को तो ऑब्वियसली बात है उनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही के ही ग्रुप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ पे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ। इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं, और साथ में मैं लाइव मार्केट सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मार्केट अपने 52 वीक हाई यानी कि ऑल टाइम हाई के पास, और पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की अगर लास्ट क्लोजिंग देखेंगे तो 5% के आसपास की शानदार तेजी देखी देखो, और 3,630 रुपये पे जाके क्लोजिंग दी, जहां पहले दिन की क्लोजिंग 3,466 रुपये पे थी। 5 दिन के अंदर 4% का उछाल है, 1 महीने के अंदर भी 4%, 6 महीने का अगर आप डाटा देखेंगे तो 41% की रिटर्न्स जो है 6 महीने के अंदर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका। 1 साल की बात करें तो 63% के रिटर्न्स हैं, जबकि मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 464 यानी कि 450+% रिटर्न्स जो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड बनाकर दे चुका है। अगर आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे तो 18 अप्रैल 2019 को 643 का शेयर आज 3,630 रुपये पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
बात अगर वॉल्यूम की करें तो लास्ट क्लोजिंग का वॉल्यूम 9 लाख था, उससे पहले दिन का भी वॉल्यूम 9 लाख और डिलीवरी ऑलमोस्ट 40-50% की रेंज में कंटिन्यूसली पॉलीकैब इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे देखें कि पॉलीकैब इंडिया गेंस 2% एंड जेफरीज रीजनरेट्स बाई स्टेंस, तो यानी कि बाई की जो रिकमेंडेशन है यहाँ पे दे दी गई है। एमके ग्लोबल के जो टारगेट्स थे 3600 उनके ऊपर स्टॉक आ चुका है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 87% बाई एंड 13% ओनली सेल की तरफ इशारा जो है आपको पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से पॉलीकैब इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल्स जो हैं कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन कैपिटल रहे या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी हो, सभी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की अभी तक की रही भी है। बात अगर बजाज फाइनेंस की करें, यानी कि बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस की करें, तो 101 रुपये की बढ़त और 7100 रुपये पर जाके क्लोजिंग हुई। एक महीने के अंदर 1.34% के रिटर्न्स, एक साल का जो डाटा है 28% का रहा, 5 साल में 209% और मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो 123,378% के रिटर्न्स जो है बजाज फाइनेंस अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। और आज के दिन में एक पॉजिटिव अपडेट जरूर देखने को मिल रहा है। BYD इंडिया पार्टनर्स बजाज फाइनेंस फॉर डीलर फाइनेंस व्हीकल लोन्स, तो यानी कि यहाँ पे BYD डीलर्स ने यहाँ पे किसके साथ में बजाज फाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, ताकि EV गाड़ियाँ जो हैं थोड़ी सी कॉस्टली हैं तो उसके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसको लेके बजाज फाइनेंस के साथ में BYD इंडिया की पार्टनरशिप जो है होती हुई देखने को मिल चुकी है। फिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड शेयर की करें तो देखिए 6 महीने के अंदर 14% के रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है, 1300% के रिटर्न्स है। कंटिन्यूसली ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, एकदम से तेजी भी नहीं दिखाई है। और कंपनी की तरफ से बोनस अपडेट आ गया है और बोनस का रेशियो है 1:2 का। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बोनस का फायदा तो आपको मिलेगा ही, और साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं स्टॉक के अंदर तो एक बार आप खुद का एनालिसिस भी जरूर कर लें।